आज मैं लेकर आई हूँ तिल की बेहद ही टेस्टी सी रेसिपी। आपने तिल की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, गुड़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन देखा होगा, पर आज हम बनाएंगे कुछ यूनिक सी तिल की रेसिपी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ना तिल ले लिए हैं। तिल यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 बाउल, यानी कि जो भी आपको मेज़रमेंट लेना है बाद में भी, तो एक कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से जो है सारी रेसिपी का मेज़रमेंट कर लीजिए। तो मैंने एक ये जो मेज़रिंग कप होता है, सबसे बड़े वाला कप, इसी का मैंने 1.5 कप यहाँ पर लिया है तिल। तो यहाँ पर ये जो तिल है ना, थोड़ी सी ब्राउनिश तिल है। तो सबसे पहले तो हमें तिल को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। अगर ये वाइट वाले होते तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रोस्ट करने पड़ते, पर ये जो है ब्राउन तिल है, हल्के से रोस्ट करने हैं। और जब ये थोड़ी सी तड़कने की आवाज़ आ जाए ना लो फ्लेम पर, तब हम इसका जो है फ्लेम बंद कर देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही तिल को हमें अच्छा रोस्ट कर लेना है। तिल जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं, और इससे जो है हमारी कमर दर्द को भी राहत मिलती है, इसी के साथ ही सर्दी जुकाम में भी हमें राहत मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया रहते हैं तिल। अगर आप एक बार लड्डू बनाकर रख लेते हैं तो थोड़े थोड़े मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर किया है, और अच्छे से इसको हिलाते भी रहना है। और ये बिल्कुल थोड़े से ब्राउनिश है, तो मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी इनको रोस्ट करते हुए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो है गैस को बंद भी कर दिया है, और आप देख सकते हैं तिल बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, और बिल्कुल तड़कने की जो आवाज़ आ रही थी ना, तो उस वजह से मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। अब तिल को बाहर निकाल लें और इसको अच्छे से जो है ठंडा होने के बाद क्रश कर लें मिक्सी जार में। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी मेल्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने जो है मिक्सी जार में तिल को अच्छे से क्रश कर लिया है और इसमें डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हमें भून लेना है। और इसी के साथ ही हमें यहाँ पर डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ना बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट हो जाएगा, और एक बढ़िया से हमें एक जैसे लड्डू जैसे मुंह में जाते घुर जाते हैं, वैसे ही ये हमें टेस्ट देगा। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप यहाँ पर जो है मिल्क पाउडर डाला है 1.5 कप तिल में। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने गैस अभी ऑन किया है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे ना, अब हम जो है गैस को बिल्कुल लो रखेंगे, और सिर्फ हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने तिल है उसको रोस्ट कर लिया था, और बाद में भी थोड़ा सा पीसने के बाद इसको आधे मिनट के लिए रोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, वो भी लो फ्लेम पर। और गैस बंद करके हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता तब तक हमने जो है फ्लेम को ऑन रखना है, उसके बाद जो है हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छे से यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर मिक्स हो गया है, तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है मिल्क पाउडर और तिल का मिक्सचर। और अब हम क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1 कप जो है चीनी ली है, और उतनी ही मात्रा में हमें पानी लेना है। तो इसमें जो चाशनी बनती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती, सिर्फ हमें जो है 1 तार या 2 तार नहीं चाहिए, और पानी भी हमें जो है इक्वल क्वांटिटी का डालना पड़ता है। जितना हम चीनी में डालते हैं उतना ही हमें पानी ऐड करना है। और अच्छे से अब हम इसको जो है मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉयल आने देते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल चीनी अच्छे से घुल मिल गई है, बस हमें ध्यान रखना है हल्की सी ये जो है हमें हमारे हाथों में चिपकनी स्टार्ट हो जाए, तब हम जो है गैस को बंद कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है, और अब हम जो है चीनी को और इस चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से हो गई है या नहीं हुई है। अभी देख सकते हैं पानी हल्का सा यहाँ पर है, तो अभी थोड़ी देर के लिए और मैं इसे पका लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने चेक किया है, तो 1 तार बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन रही है, बस इतनी ही हमें गाढ़ी चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं तिल और मिल्क पाउडर का मिश्रण, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही बढ़िया से एक फ्लेवर आ जाएगा आप देखेंगे। और देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा एक पेस्ट तैयार हो रहा है। और इसको और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कोकोनट का पाउडर। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वो तो बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे कोकोनट का जो है टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें जो है कोकोनट पाउडर ऐड मत कीजिए। तो आप इसमें ड्राई
फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर सकते हैं। मुझे कोकोनट पाउडर का टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे कप इसमें डाल देने हैं और कुल मिलाकर इसमें 5 से 6 चम्मच भरकर मैंने कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे जो है ना कोटिंग बहुत ही बढ़िया होती है और जो इसका फ्लेवर है ना वो तिल के फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कोकोनट पाउडर मिक्स हो गया है। बस हमें उतनी देर तक इसको मिक्स करना है जितनी देर तक कि ये थोड़ा सा देसी घी जो है छोड़ना स्टार्ट कर दे। तो बिल्कुल पैन से तो बिल्कुल अलग हो गया है। हल्का सा इसको और हमें जो है भून लेना है और यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। तो देखिए बिल्कुल पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, हल्का सा देसी घी भी निकलना शुरू हो गया है। थोड़ा सा ये चिपचिपा बनता है पर जो खाने में इसका टेस्ट बनता है ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को भी बंद कर दिया है, देसी घी हल्का सा छूटना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा तो हमने डाला भी नहीं। उसके बाद जो है इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके जो है फटाफट से लड्डू बनाने शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो इसको बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं, मुझे जो है लड्डू का शेप बहुत पसंद आता है तो यहाँ पर मैंने लड्डू बना लिए हैं इसके। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई तरह के तिल के लड्डू। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।